रोहतास पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूटे हुए 54 मोबाइल किया बरामद। नमस्कार, मैं हूं विश्वंभर मिश्रा और टाइम फैक्स न्यूज में आपका स्वागत है। रोहतास पुलिस के द्वारा अपराध के रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई कर गुप्त सूचना के आधार पर लूट छिनतई के तकरीबन 54 मोबाइल को बरामद किया है। यह बरामदगी अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी, लूट और गुम हुए मोबाइल फोन है। रोहतास एसपी आशीष भारती ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि स्पेशल टीम के द्वारा तकनीकी मदद से 54 मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। फिलहाल इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि गुम के साथ साथ चोरी, लूट सहित छीने हुए मोबाइल फोन से अपराधी बर्दाश्त को अंजाम देने में इस्तेमाल करते हैं, जिसके मद्देनजर जिले के सभी एसएचओ को अपराध नियंत्रण हेतु ऐसे मोबाइल को ट्रैक करने टास्क दिए गए थे। बताया कि जिला सूचना इकाई रोहतास के द्वारा ऐसे मोबाइल फोन को ट्रैक कर कुल 54 मोबाइल की बरामदगी की गई है। बर्दाश्त मोबाइल को उनको सौंपा जा रहा है। निश्चित तौर पर पुलिस के लिए बड़ी यह उपलब्धि माना जाए। कुछ दिनों से अपराध कर्मियों को लगातार कार्रवाई की जा रही है और जिस क्रम में यह सूचना मिल रही थी कि कई लोगों का मोबाइल जो चोरी कर लिया जा रहा है या छिनतई हो रहा है या उसके साथ लूटपाट की घटना घट रही है तथा कुछ मोबाइल गुम भी हो जाता है, परंतु आपराधिक मामलों में अपराधियों द्वारा इसके मोबाइल का जो चोरी गए या लूटे गए छिनतई गए मोबाइल का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए अपराध नियंत्रण हेतु विशेष टीम का गठन किया गया था जो जिला सूचना इकाई है रोहतास में उनके यह टास्क दिया गया था कि सभी मोबाइल को ट्रैक करके उसमें उसकी बरामदगी करेंगे और जो अपराधी इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। तो अभी तक कुल 54 मोबाइल बरामद किया गया है जो विभिन्न थाना क्षेत्र के हैं और साथ ही साथ इसमें जो अन्य मोबाइल है उनको भी बरामद करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। तो इस प्रकार आपराधिक घटनाओं में इससे कमी आएगी और साथ ही साथ जो जिनका मोबाइल गुम हुआ था उनको मोबाइल ये लौटाया जा रहा है ताकि उनकी जो कमी है उसकी पूरी उसको पूरा किया जा सके। सर, कोई गिरफ्तारी वगैरह इस मामले में अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सभी मोबाइल जो थे वो जैसा कि अभी आप एक ने बताया कि गुम हो गया था तो उसको बरामद किया गया है जो कि उसमें चोरी का कांड दर्ज नहीं था और लेकिन जैसे अन्य कांडों में भी जो मामले जिसमें दर्ज रहेंगे उसमें करीब। सर, ये बरामदगी सिर्फ जिला के बाहर भी हुआ है या कहीं से भी है? नहीं, ये अभी जिला के अंदर की ही बरामदगी है लेकिन और भी जो इस प्रकार के मामले हैं उसमें काम चल रहा है और जैसा वो बरामद होगा तो उसका डिटेल आपको बताया जाएगा।